आप किसी शॉपिंग मॉल में तो जरूर गए होंगे। क्या आपने कभी वहाँ कोई खिड़की या वॉल क्लॉक लगी हुई देखी? क्या आपने कभी गौर किया कि शॉपिंग मॉल्स में गेमिंग एरियाज और फूड कोर्ट्स हमेशा टॉप फ्लोर पर ही क्यों होते हैं? आपको वहाँ कोई ब्रांड ढूंढना हो तो क्या आसानी से मिल जाता है? यकीनन नहीं, इधर उधर घूमकर तलाश करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ रहनुमाई के लिए कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं होता। कभी सोचा ऐसा क्यों है? ये सब आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकलवाने के हर वे और तरीके हैं। बात समझ में नहीं आई होगी, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉपिंग मॉल्स में कोई खिड़की या वॉल क्लॉक क्यों नहीं होती। खिड़की इसलिए नहीं होती कि शॉपिंग मॉल्स वाले चाहते हैं कि आप एक बार अंदर आ जाएं तो बाहर की दुनिया भूल जाएं और आपकी मुकम्मल तवज्जो शॉपिंग पर हो। घड़ी भी इसलिए नहीं होती कि आपको वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो और खरीदारी करने में मगन रहें। घड़ी लगी होगी तो बार बार इस पर नजर जाएगी और आपको एहसास होगा कि बहुत देर हो गई, अब निकलने की करें। इसलिए आप दुनिया के किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहां आपको खिड़की और वॉल क्लॉक कहीं नजर नहीं आएगी। गेमिंग एरिया और फूड कोर्ट्स भी हमेशा टॉप फ्लोर पर होते हैं। वजह यही है कि कहीं आप शॉपिंग छोड़कर कुछ खाने पीने या बच्चों को झूले झुलाने ना बैठ जाएं। पहले खूब डट कर शॉपिंग करें और फिर खाने या झूले का ख्याल आए तो ऊपर जाएं। अगर आप शॉपिंग मॉल में सिर्फ खाना खाने आए हैं तब भी आपको सारे फ्लोर्स पर से होते हुए टॉप फ्लोर पर जाना पड़ेगा। क्या पता ऊपर जाते हुए आपका शॉपिंग का दिल करे और आप कुछ नोट खर्च कर दें। आपने एक चीज शायद नोट ना की हो, शॉपिंग मॉल्स में एस्केलेटर्स इतने स्मार्ट तरीके से लगाए जाते हैं कि आपको एक फ्लोर से दूसरे एस्केलेटर्स पर जाने के लिए काफी फासला तय करना पड़ता है। इसकी वजह भी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा घूमें, मुख्तलिफ दुकानें देखें, क्या पता इस दौरान आपको कोई चीज पसंद आ जाए और आप खरीद लें। शॉपिंग मॉल्स को जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि वहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप ढूंढने में आपको मुश्किल पेश आए। लोग शॉप ढूंढने के लिए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ रहनुमाई के लिए कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं होता। मकसद बस वही एक है कि आप दूसरी शॉप्स भी देखें और हो सकता है वहाँ से भी कुछ खरीद लें। और हाँ, शॉपिंग मॉल्स के बाहर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं, लोग इनके पास खड़े होकर तस्वीर लेते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। इस तरह इन शॉपिंग मॉल्स को मज़ीद पब्लिसिटी मिल जाती है और इनकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त आपके ज़रिए।